जिला युवा एवं खेल विभाग की ओर से 4 दिवसीय युवा नेतृत्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में चल रहे शिविर में जिला भर से युवा व युवतियां हिस्सा ले रही हैं। शिविर में जिला भर के विभागों की सरकारी स्कीमों की जानकारी दी जाती है ताकि बेरोजगार युवा स्कीमों का लाभ उठा सके। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी सुदेश धीमान ने बताया कि 4 दिवसीय युवा नेतृत्व शिविर के दौरान युवाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा शिरकत करके युवाओं का मार्गदर्शन किया जा रहा है। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी हमारा विभाग युवा सेवाएं के विभाग कोई भी एक्टिविटी करवाता है तो उसको आप अपने चैनल के माध्यम से उनकी जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको हाईलाइट्स देते हैं। इसके लिए मैं और हमारा विभाग जो है वो आपका हमेशा ही धन्यवादी रहेगा और रहता है। ये जो कैंप युवा नेतृत्व शिविर चला हुआ है यहाँ, इसमें जिला भर से 70 के लगभग युवा प्रतिभागी जो बेरोजगार हैं, इसमें महिलाएं भी हैं, यंग तबका भी है, इसमें शिरकत कर रहे हैं। युवा नेतृत्व शिविर का मतलब, ये स्कीम जो है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है, इसमें हमारे जो विभिन्न विभिन्न विभाग हैं जिनमें बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ हैं जो युवाओं के लिए फिट बैठती है। मसलन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है और बैंकिंग है। इन डिपार्टमेंट से हम कॉन्टैक्ट करके इनके जो रिसोर्स पर्सन है इनको पर डे एक एक करके बुलाया जाता है और ये अपने विभाग की जितनी भी आय उपार्जित इनकम जनरेटिंग स्कीम्स हैं उनके बारे में ये यहाँ युवाओं को बताते हैं। वो अपनी जितनी भी इनकी स्कीम्स हैं इनके ऊपर रोशनी डालती है ताकि हमारे जितनी भी बेरोजगार युवा हैं इन स्कीमों पर अमल करके योजनाओं को अपनाकर वो अपना स्वरोजगार अर्जित कर सके और दूसरों के आगे हाथ न फैला सके और आगे बढ़ के, और दूसरे जो हमारे इनके साथ के जो साथी हैं हमारे समाज में जो हमारी स्कीम्स हैं या विभाग की अलग अलग स्कीम्स हैं, इनकम जनरेटिंग स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी वाइड पब्लिसिटी करें ताकि और युवा भी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।